हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ColorOS 13 के अंदर आइकन कस्टमाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि आइकन के साइज को भी आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसके अंदर जो लोगो आ रहा है उसको भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, आप शेप को भी डिजाइन कर सकते हैं। वो कैसे करें और कौन कौन से ऑप्शन है जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल को और ज्यादा अट्रैक्टिव लगा सकते हैं, तो आइएगा जानते हैं कि कैसे अपने मोबाइल में एक्वा मॉर्फिन डिजाइन की जो डिजाइनिंग चीजें हैं उसको और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं करने वाला हूं आइकन कस्टमाइजेशन। उसके लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आप पिंच कीजिएगा और यहां से जो सेकेंड नंबर ऑप्शन आया ये है आइकन्स के नाम से ऑप्शन। इस आइकन के ऑप्शन पे जैसे आप टैप करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग आइकन पर टैप कीजिएगा, वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऑप्शन पर टैप करें और यहां से जो आइकन का ऑप्शन आ रहा है इस आइकन के ऑप्शन पर आप टैप करेंगे तो आप सेम पेज पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है एक्वा मॉर्फिन डिजाइन, यानी कि जो एक रियलिस्टिक और विविड मोड पर डिजाइन किया गया है ये है एक्वा मॉर्फिन डिजाइन। इसमें भी आप आइकन की जो साइज एंड शेप है उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है मटेरियल स्टाइल, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। देखिएगा जो कैमरे का आइकन है वो टोटली चेंज हो गया है, फोटो का आइकन है वो टोटली चेंज हो गया है, लाइव प्रीव्यू आपको यहां पर शो करेगा। उसके अंदर भी आप अपने आइकन की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है पेबल स्टाइल, ये थोड़ा और ही ज्यादा डिफरेंट है। यहां पर आप देखिएगा जो कैमरे का आइकन है वो बैकग्राउंड में ब्लैक हो गया है फोरबैक, और यहां पर फोटो का टोटली आइकन डिजाइन चेंज हो गया है। इसमें भी आप सेम आइकन के शेप और साइज को डिजाइन कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कस्टमाइजेशन, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये है शेप डिजाइन करना। आप कोई भी शेप डिजाइन करना चाहते हैं तो यहां से आप अपने अकॉर्डिंग शेप को चूज कर लीजिएगा। लाइव प्रीव्यू आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने ये चूज किया तो आप देख सकते हैं यहां पर जो कॉर्नर है दो कॉर्नर शार्प हो गए, दो कॉर्नर राउंडेड हो गए हैं। उसके बाद में इसमें भी आप अपने आइकन का जो इंटरनल आइकन है उसको आप फोरग्राउंड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा आइकन के साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा भी आपको कस्टमाइजेशन अच्छा लगता है। एक इसमें ऑप्शन दिया गया है बीटा वर्जन के अंदर मैच वॉलपेपर कलर्स, जो मैंने अभी वॉलपेपर लगाया गया है उसके अकॉर्डिंग कलर मैच करना। तो आपको ये ऑप्शन यहां से चूज करेंगे तो देखिएगा टोटली डिजाइन चेंज हो गए हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद में यहां पर है शो ऐप नेम, यानी कि ऐप नेम को यदि आप शो कराना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही इसे ऑफ करेंगे तो ऐप नेम यहां से गायब हो जाएगा। उसके बावजूद ऐप नेम का भी साइज इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यदि आपके आईसाइट वीक है तो कौन सी एप्लीकेशन है उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहां से सिंपली आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपके जितने भी एप्लीकेशन के आइकन है सब जो भी आपने सेटिंग की होगी उसके अकॉर्डिंग डिजाइन हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आपको आइकन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है वो पता चल गया है, कैसे आप अपने मोबाइल में आइकन को कस्टमाइज करें, अपने हिसाब से आप डिजाइन कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको, आप अपने मोबाइल को अपने हिसाब से डिजाइन करें। तो कैसी लगी ये ऑपरेशन वीडियो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसी ढेर सारी ऑपरेशनल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।